नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ योगा में आपका स्वागतम है। आज हमारे साथ है एक मैम जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं लेकिन गुवाहाटी में रहते हैं, तो उनसे जानेंगे कि वो योगा में क्यों आया है और क्या क्या फायदा उसको मिला है। मैम नमस्ते। नमस्ते। तो बोलिए, आपका नाम बोलिए पहले, फिर आप योगा में क्यों आया और क्या बेनिफिट मिला। मेरा नाम मंदिरा छेत्री है, मैं सिक्किम से हूँ ओरिजिनली और अभी यहाँ पे लाचित नगर गुवाहाटी में रह रही हूँ। हाँ। और मेनली हम लोग सेकेंड बेबी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी बहुत हेल्थ इश्यू होने लगा मेरा, मतलब जैसे मैं ठीक थी पहले। हाँ। और जैसे डिलीवरी हो गया उसके बाद मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा, जैसे सर्दी खांसी थोड़ा सा होने से डस्ट एलर्जी होने लगा था, बहुत चीज़ होने लगा था, इशू होने लगा था। okay. और बीच में लास्ट ईयर से मेरा थोड़ा एंजाइटी होने लगा, किसी का डेथ हो गया था तो सडनली okay. रात में मेरा सपना टूटने की वजह से मैं इतना डरावना सपना देख लिया। हाँ। उसके बाद मेरा पूरा हार्ट बीट फास्ट 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 होने लगा। मतलब जो गुजर गया था आपको रात को मैसेज आया था, क्या हुआ सिचुएशन नहीं एक्चुअली हुआ था, मतलब जो मेरा सिक्किम से मेरा चर्च का एक भैया है। हाँ। उनका डेथ हो गया था, सडनली मेरा रात में देखा तो 2 बजे मेरा मिस कॉल आया था घर से। ओके। तो फिर मेरे यहाँ पे ये जहाँ मैं रहती हूँ अभी लाचित नगर, वहाँ पे भी एक बिहारी फैमिली है, उनका भी डेथ हुआ था, उनका हस्बैंड का भी डेथ हो गया था, उन लोगों के साथ थोड़ा क्लोज आ गई थी मैं सर। अच्छा। उसके बाद मेरा क्या हो गया, उन लोगों का ज्यादा जो दुख था उन लोगों का वो मैंने अपने तरफ ज्यादा खींच लिया। ओके। उनको ज्यादा प्यार, उन लोगों को दुख देके मुझे ज्यादा दर्द होने लगा था। हाँ। तो रात में जब ये सब होने लगा तो रात में सडनली मेरा सपना टूट, सपना इतना डेंजर भी नहीं था। हाँ। दोनों मेरा फैमिली एक ग्रुप एक साइड में, एक ग्रुप एक साइड में था, दोनों डांस कर रहा था, तो अचानक में मेरा सपना टूट गया। ओके। तो मैं जैसे उठी तो मेरा पूरा हार्ट बीट फास्ट 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 होने लगा था, मैं पसीना पसीना हो गई थी। ओके। तो मुझे लगा क्या मुझे हार्ट अटैक आएगा क्या, ऐसे डरने की वजह से और डरने लग गई मैं। फिर ऐसे मोबाइल जैसे मैंने सोचा टाइम देखती हूँ, बोला था 2:35 ऐसे हुआ था। अच्छा। तो मेरा घर से मिस कॉल भी आया था। हाँ। तो मैं घर से मिस कॉल देखने वजह से और मेरा टेंशन बढ़ने लगा, फिर घबरा गई मैं और ज्यादा घबरा गई, क्या हो गया, वो भी इस टाइम में फोन आ गया बोल के। उसके बाद जब मैंने फोन किया तो न्यूज मिला कि वहाँ जो भैया था हमारा उनका डेथ हो गया बोल के। उसके बाद फिर मेरा क्या हो गया, जैसे मॉर्निंग टाइम हो गया था, मॉर्निंग से मेरा उस दिन से मेरा पूरा मतलब हार्ट बीट फास्ट होने लगा, अचानक से मेरा पसीना पसीना, पूरा एनर्जी नहीं है जैसा, मेरा बॉडी पूरा साथ देना ही छोड़ दिया। okay. मैं पूरा अभी गिर जाऊंगी ऐसा लगा, सर दर्द इतना होने लगा, फिर पूरा हार्ट बीट फास्ट फास्ट, फिर मैंने सोचा मुझे क्या हाई प्रेशर हाई हो गया ना, मेरा ब्लड शुगर ये पूरा टेंशन हो गया, फिर मेरा अचानक से पूरा नेगेटिव सोच। अच्छा, पूरा। अच्छा। जैसे कि मेरा बर्थडे आने वाला था तो मेरा बर्थडे तक मैं नहीं बचूंगी क्या। ओके, क्योंकि दोनों हाँ एक ही साथ होने की वजह से। हाँ, पूरा एंजाइटी अटैक आ गया, पैनिक अटैक आ गया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरा कि मेरा एकदम तबीयत खराब होने लगा। ओके। फिर मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो प्रे करने लगी मैं, थोड़ा मैं जो हम लोग का बाइबल होता है वहाँ बाइबल जाके मैं प्रे करने लगी, सबको फ़ोन करके मैंने प्रे किया। उस दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। okay. फिर पूरा एंजाइटी था, सडनली मतलब हो जाता था बीच में। hmm. काम करते वक्त भी हो जाता, फिर भी मेरा हस्बैंड बोलता था अरे तू घर का मम्मी है तू ऐसा करेगी थी, फिर हमारा क्या हुआ। उनका ऐसा बोलने की वजह से मेरा क्या होता था, मैं जितना भी मेरे अंदर हो रहा था मैं सब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। अच्छा। लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बताती नहीं थी। अंदर ही अंदर फिर मैं जैसे सिक्किम भी गई, सिक्किम ये समर वैकेशन में सिक्किम गई। सिक्किम घर जाने के बाद भी मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं क्यों जा रही हूँ ऐसा लग रहा था। अच्छा। जैसे कि मुझे मायके जाने से इतना खुश हो जाती थी लेकिन इस टाइम पे मैं एकदम खुश नहीं थी। okay. क्यों जा रही हूँ, मैं दोनों बच्चा को लेके जा रही थी, हस्बैंड भी नहीं जा रहा था। हाँ। तो मैं क्यों जा रही हूँ, वहाँ जाके मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। और फिर मैं मेरा फ्रेंड के घर में इलाम नेपाल में गई, नेपाल में भी जाके हम लोग वहाँ 2-3 दिन रहने वाले थे, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जैसे रेडी हो रहे थे लंच के बाद की घूमने जाने के लिए, उस टाइम भी मुझे अचानक से अटैक आ गया, एंजाइटी अटैक आ गया। तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा अरे मैं इतना दूर हूँ, यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी नहीं है। okay. अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल। हाँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा यहाँ पे तो मेरा गुवाहाटी मेरा डेड बॉडी कैसे लेके जाएगा, मतलब इतना खराब सोच एकदम आ जाता था मेरा। okay, okay. फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ बोल के, फिर वहाँ से भी मैं रिटर्न आ गई। मैंने
वहाँ पे नेपाल है, वहाँ पे नंबर नहीं लगता है, फिर व्हाट्सएप में कॉल करके ड्राइवर को कॉल करके बॉर्डर में बुलाया, फिर मैं घर चली गई एकदम कुछ करने का मतलब। फिर जैसे घर पहुँची रात में मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरा अभी टिकट कर दीजिए, मुझे गुवाहाटी आना है। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाएगा हाँ। तो मेरा हस्बैंड का क्या होगा, मेरा बच्चा लोग का क्या होगा। ऐसे होने की वजह से मैं इतना मैं स्ट्रेस एंजाइटी ये सब लेके मैं चल रही थी। जैसे मैं गुवाहाटी पहुंची, मैं नेट में सर्च कर रही थी, मुझे योगा सेंटर जाना था। कोई कोई ने मुझे सजेस्ट किया कि योगा करने से अच्छा होता है बोल के, तो मैं योगा सेंटर सर्च कर रही थी। यहाँ बिहू तली में एक योगा सेंटर है, मैं वहाँ के लिए ट्राई कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे नीचे अशोक स्वीज में दूध लेने के लिए गई थी, वहाँ पे यहाँ का योग उसका मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो मैं उस दिन तो मैंने देखा, फिर मैंने वहाँ फ़ोन नंबर भी देखा, तो मुझे पता नहीं था यहीं पे है वो, क्योंकि मेरा घर नज़दीक है। तो मैं देख रही थी ओ यहीं पे है बोल के, फिर मैं ऐसे गई, फिर नेक्स्ट डे देखा तो ऐसे। फिर मुझे करोबीबा है, करोबीबा ने बोला कि एक योगा क्लास खुला है हमारे अपोजिट में, तुम करना चाहोगी बोला। मैंने बोला अरे मैं तो यही ढूंढ रही थी हाँ। क्योंकि मुझे यही चाहिए था, अभी घर के नज़दीक है बोले से मैं और खुश है। मैंने बोला मैंने एक ही बार में हाँ मैं करूँगी बोल के मैंने इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। ओके फिर अभी यहाँ आके आपको क्या चेंजेस मिला है, जो आपका वो प्रॉब्लम था वो कैसा है? बहुत चेंजेस मिला है मुझे यहाँ आके। एंजाइटी अभी कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे मतलब आजकल क्या होता है, मैं क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी है, फैमिली है, मेरा हस्बैंड हमेशा मतलब एवरी मंथ वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी मेरा क्लास आना मिस हो जाता है, दो तीन दिन ऐसा हो जाए, कभी गेस्ट आ जाते हैं, विंटर के टाइम में मेरा पूरा फैमिली आ जाते हैं, तो उस टाइम में मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्लास। जैसे मैं योगा क्लास नहीं आऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे क्लास जाना ही पड़ेगा, मुझे क्लास करना ही पड़ेगा। तो अभी योगा क्लास आने के बाद मेरा कुछ ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं आ, जो मेरा नेगेटिव थॉट्स ये सब आता था, अभी ये सब भी कुछ नहीं। अभी मैं एकदम ठीक हूँ और मैं खुश हूँ यहाँ आके एकदम। इसके पीछे मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है, जैसे योगा प्रैक्टिस करने के बाद वो क्यों चला जाते हैं। जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, ऐसे सोल का पांच लेयर होते हैं, अन्नमय कुश, प्राणमय कुश, मनोमय कुश। तो मैम का जो प्रॉब्लम था वो मनोमय कुश में था। तो योगा क्या करते हैं, प्राणमय अन्नमय कुश जो फिजिकल बॉडी और प्राणमय कुश मनोमय कुश, ये एवरी लेयर में वो काम करता है। तो जब भी मनोमय कुश में काम करते तो मनोमय जैसे फिजिकल हेल्थ फिजिकल बीमारियां हम देखता है कि हाँ ये बीमार पड़ा हुआ है, दर्द है, लेकिन मन का जो बीमार है वो उसी को पता रहता है जिसका वो बीमार होता है। देखने से इतना जल्दी पता नहीं, हाँ देख के थोड़ा सा सेद है ऐसे लगेगा देखने से कि ये बातचीत नहीं करते हैं, ये मतलब हम डायरेक्ट ऐसे ओपिनियन देते हैं लोगों को, लेकिन क्या उसके अंदर क्या चल रहा है उसी को पता चलता है जो मतलब उस प्रॉब्लम में गुजर रहा है। तो योगा क्या करते हैं, जो वो मैंने बोले ना अन्नमय कुश, प्राणमय कुश, मनोमय कुश, ये तीनों को डेवलप करते हैं और उसको मतलब सही ट्रैक में लाते हैं। तो मैम का भी जो रेगुलर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने आप ठीक हो गया। हाँ सर, ये भी हो गया। मैं तो हॉस्पिटल तक गई, डॉक्टर को तक दिखाया रात में 11 बजे, हस्बैंड को बोला मेरा एकदम हार्ट बीट फास्ट हो गया है। मुझे अभी हॉस्पिटल नीम केयर में गई थी, वहाँ पे नीम केयर वहाँ पे सब स्टोरी बताया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला आपको सब ठीक है, नींद नहीं आता है, रात भर मैं नहीं सो सकती थी। जैसे सोचती थी कि मैं रात में जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन मेरा क्या हो जाता था कि अगर मैं जल्दी सोऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगा, बीच में नींद टूट जाता था, रात भर मैं नींद नहीं सो पाती थी, एकदम मेरा नींद पूरा गायब ही हो गया था, सो नहीं पाती थी। जैसे YouTube में कुछ गाना बजा के, जैसे भजन वजन लगा के, ऐसे कुछ करके मैं सोने की कोशिश करती थी, ऐसे नींद। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि मुझे साइकोलॉजी डॉक्टर के दिखाने के लिए, फिर नींद का टैबलेट भी दिया। मैंने बोला ये सब तो मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ठीक नहीं होना है, क्योंकि मुझे अंदर से एकदम मुझे एकदम ऐसा लगता था कि मैं कहीं जाऊंगी अकेले अकेले घर में होने से मुझे डर लगता था। फिर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मैं कोई होने से मेरा जो मेरा नीज है यहाँ पे आके मेरे साथ रुकी हुई है, अभी यहीं पे कॉलेज करती है,
तो उसका फ्रेंड्स को बुला, जब मेरा हस्बैंड नहीं रहता है तो मैं उसको बुलाती थी, क्योंकि वो थोड़ा बोलती थी तो कोई आदमी साथ में होने से मैं, मेरा क्या होता था, थोड़ा शांति होता था कि मुझे अभी कुछ नहीं होगा बोल के। लेकिन अगर घर में कोई ना, क्योंकि दोनों बेटी लोग क्या होता अपने अपने धुन में रहता था, तो मैं अकेली पड़ जाती थी। उस टाइम पे मेरा क्या होता कि अभी मुझे अभी कुछ हो जाएगा, मुझे ये डर होता था। तो ये डर से, ये डर, ये जो भी था, अब वहाँ से पूरा निकल के अब तो मैं एकदम दूर चली गई हूँ, उसको मैंने पीछे छोड़ दिया है। और जैसे भी आजकल मुझे थोड़ा सा भी कुछ, मेरा हस्बैंड भी बोलते हैं जल्दी जल्दी तू अनिलम विलम कर, फिर जल्दी जल्दी सास का वो कर, बोल के मैं पटक पटक करके मोबाइल खोल के मैं बैठ जाती हूँ जमीन में, योगा करने की कोशिश करते। उसके वजह से मेरा भी बहुत फायदा हुआ है सर, योगा की वजह से अभी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आपकी एक्सपीरियंस से ऑडियंस को क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग जितना भी, आजकल क्या होता है कि आजकल तो बच्चा लोग को भी एंजाइटी अटैक आने लगा है। हाँ, हाँ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्ट्रेस के वजह से, उन लोगों के पढ़ाई के वजह से, और जो हम लोग हाउसवाइफ होते हैं, बच्चा है, घर है, इन लॉज होता है, घर का काम होता है, सब कुछ हमको, हस्बैंड होता है, सबको हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं होता है। खुद के लिए टाइम भी ज़रूरी है। अगर हम लोग एक घंटा डेढ़ घंटा खुद के लिए देंगे तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग, मेरे जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो मेरा प्रॉब्लम था वो मैं प्रे करूँगी किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो मैंने झेला है, बहुत झेला है, मैंने 1 ईयर मैंने टोटली झेला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं, अभी योगा खुला है, योगा क्लास में आइए, योगा कीजिए आप लोग। योगा करने के बाद सब कुछ माइंड हम लोग का पीस रहता है, जो कंट्रोल होता है, हम लोग डाइट में भी बहुत कंट्रोल मिला है। जैसे मैं पहले जिम भी करती थी तो मैं जिम जाने के टाइम पे भी मैं खाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी देखने से, लेकिन अभी योगा करने के बाद क्या हो गया है, मेरा बहुत चीज़ खाने में भी बहुत कंट्रोल कर पा रही हूँ, अपने आप कंट्रोल आ जाए। मैं ये नहीं करना है तो नहीं करना है, जैसे मुझे बोला है 8 बजे से पहले खाना खाना है, तो मैं आजकल क्या करती हूँ, बना के सबके लिए रख देती हूँ, लेकिन मैं 8 बजे से पहले खाने की कोशिश करती हूँ। बाई चांस कभी कभी कहीं जाने से प्रॉब्लम हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं आज योगा आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी योगा कीजिए, और योगा में आके बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा हम लोगों को। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा अंदर का बात सबको बोला। थैंक यू।